नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल मेरे YouTube सब्सक्राइबर्स। आज हमारे चैनल पर बनने वाला है समोसा, तो उसका रेसिपी चलिए आप लोगों को दिखाते हैं किचन में चल के। वेलकम बैक माय YouTube फैमिली। आज हमारे चैनल पे समोसा बनने जा रहा है, तो देखिए क्या क्या समोसा में डलेगा। मटेरियल सब है यहाँ, देखिए पहले ये अदरक है, ये हरी मिर्च, ये लाल मिर्च, ये कड़ी पत्ता, ये तेज पत्ता। आप लोग सोच रहे हैं इतना सारा चीज़ है तो समोसा में तो पड़ता ही है। और ये धनिया है, हरा धनिया, और ये घी है, इसमें मैदा है, मैदा में डालेंगे। और ये मूंगफली, और ये आलू है, और ये धनिया पाउडर है, और ये सौंफ पिसा हुआ है, ये डालना चाहिए, इससे ठीक रहता है, पाचन ठीक होता है। ये अजवाइन है, और ये लाल मिर्च थोड़ी सी, और ये हल्दी पाउडर, ये गोलकी पाउडर, और ये कसूरी मेथी है। थोड़ा समोसा है तो चटपटा होना चाहिए, इसीलिए अभी इसको पहले हम सूखा गरम हो गया कढ़ाई, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और ये अच्छे से पक गया है, निकाल लेते हैं इसका छिलका छील करके उसके बाद इसको डालेंगे इसमें। ये तेल है मसाला भूनने के लिए, मस्टर्ड ऑयल, ये सूखा मिर्च है, और ये देखिए अजवाइन, और ये तेज पत्ता, और ये हरी मिर्च, और ये अदरक, और ये देखिए करी पत्ता है। और ये हल्दी पाउडर है, और ये मेथी सब डाल देते हैं। और ये जीरा पाउडर है, जीरा खाना चाहिए इसलिए थोड़ा ज़्यादा है जीरा। देखिए इस तरह से निकाल लीजिए, और इसमें हल्का इसको कूट लेंगे। मूंगफली को भी इसी में डाल देंगे, ये देखिए उबला हुआ आलू है, इसको इस तरह से ज्यादा चूरना नहीं है। नमक दे देंगे स्वाद अनुसार, मसाला है उस हिसाब से दीजिए नमक, इसको ऐसे इस तरह से पूछ लेंगे। ये छोटा चम्मच से हाफ चम्मच गरम मसाला, ये धनिया पत्ता, ग्रीन धनिया। इसको समझने में देर लगेगी। और कौन सा धनिया आता है? हरा धनिया, हरा धनिया। और ये देखिए बन गया समोसा का चोखा। मैदा की तैयारी करेंगे, और ये मैदा है, नमक है, ये स्वाद अनुसार इसमें भी नमक डालने से अच्छा लगता है खाने में। ये घी, और
मिला के देख लेंगे और पड़ेगा तो और डालेंगे। इसमें जो डाले हैं घी अच्छे से मोइंग तैयार हुआ कि नहीं इस तरह से। अब इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, ज़्यादा गीला नहीं और ना ही ज़्यादा कड़ा होना चाहिए। और ये मैदा तैयार हो गया है, देखिए मिला दिए इसको अच्छे से। अब इसको 10 मिनट छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सब मिक्स होके फूल जाए। इसको ढक देते हैं। और ये देखिए आटा, अब इसको बेलते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे बेलते हैं। पहले अच्छा से गोला कर लेंगे ताकि बेलने समय फटे ना। और इसको बेलते हैं इस तरह से। थोड़ा लंबा ही बेलिएगा, ज़्यादा गोल नहीं। और लंबा बनाइएगा इसको, मतलब बेलना है लंबा करके, चौड़ाई कम। और इसको बीच से कट कर लेंगे। ये वाले दो समोसा बन जाएगा। और इसको लेंगे इस तरह, इसके चारों तरफ पानी लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से, ताकि अच्छे से चिपक जाए। इसको इस तरह मोड़ेंगे। बराबर होना चाहिए इसके ऊपर। पहले इसको अच्छे से चिपका लीजिए, फिर इसमें मसाला भरेंगे। और इसमें मसाला डालेंगे, देखिए अच्छे से चिपक गया है। जितना बड़ा समोसा हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं इसमें। इसको भी चिपका लेंगे। देखिए इस तरह से समोसा को बैठा कर रहना चाहिए, बैठा हुआ रहना चाहिए, लोहराना नहीं है। देखिए समोसा तैयार हो गया है, अब इसको छानेंगे। तो चलिए इसमें डालते हैं। अब इसको एकदम कम फ्लेम में ही पकाइए। अभी पक गया एक तरफ, उलट देते हैं। कितना सुंदर बना है समोसा, देखिए घर में ही बनाना है। अच्छा से खाइए, साफ सुथरा, घर का चीज साफ सुथरा होता है, शुद्ध होता है। और मजा करिए, चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, छोला के साथ खाइए, समोसा छोला। इसको निकालते हैं। अभी निकल गया, देखिए कितना सुंदर कलर आया है, घर का बात ही अलग होता है। ये देखिए समोसा। तो समोसा बन गया गाइस, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, और ये देखिए समोसा तैयार है। और इसको अभी हम करते हैं टेस्ट, खिलाते हैं। क्यों हम इसको तोड़ के दिखाइए। ये देखिए समोसा, ये गरम गरम।
बहुत ही अच्छा है, अब तो खा के ही बताएगा कैसा है। बहुत गर्म है, टेस्ट करेगा कैसा। इसका जो है ये बहुत ही मस्त गाइस। समोसा के जो बाहर का जो परत होता है ये बहुत खासता है। अच्छा बना हमें, अच्छा बना, गुड जॉब। तुम बोला था कि इससे अच्छा तो बाहर का होता है। सच बताया तो गाइस, हम सोच रहे थे कि मम्मी कैसा भी बनाएगी, बाहर का तो बाहर का ही होता है, और लेकिन असलियत ये है कि बाहर वाला तो सही में बाहर का जैसा रहता है, उसमें स्वाद रहता है, थोड़ा हाथ का स्वाद, थोड़ा बाहर का धूल का स्वाद, थोड़ा गंदगी वाला स्वाद तो रहता ही है। तो अभी भी हम बोले हैं कि बाहर वाला खाने में ज्यादा अच्छा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।